Hello everyone, today we are going to discuss next law, LUSSAC'S law and Avogadro'S law. We discuss these two laws in today's lecture. First of all, we are going to discuss this LUSSAC'S law. Fourth law hai, LUSSAC'S law. This law was given by LUSSAC, name of scientist. LUSSAC in 1808 mein diya tha beta LUSSAC ne. How we can define this law? According to this law, under similar conditions of temperature and pressure. Under similar conditions of temperature and pressure, volumes of gaseous reactants and products exist in simple whole number ratio, or bear in simple whole number ratio. Volumes of gaseous reactants and products mean gases ke liye hi applicable hai, isliye gaseous reactants and gaseous products hi chahiye. Gaseous reactants and products bear in simple whole number ratio with each other, mean ek dusre ke sath agar unki ratio le hum, unke volumes ki ratio रेशो ले हम, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो गैसेस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके वॉल्यूम के रेशो ले हम, तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो में एग्जिस्ट करेंगे. देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद क्लोरीन गैस टू गिव HCl, गैसेस फॉर्म में बना बेटा ये 2HCl हो गया गैसेस फॉर्म में. अगर हम इनके वॉल्यूम चेक करें कि कितना वॉल्यूम है, तो जो कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इनको स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं बेटा. दीज कोफिशिएंट्स आर इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम्स, इन्हीं को हम वॉल्यूम मानेंगे. मीन यहां पर कोफिशिएंट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इसका, स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसका मतलब जीरो नहीं है, यहां पर 1 है इसका वैल्यू. दी मीन 1 वॉल्यूम ऑफ दिस कंबाइंड विद, इसका भी 1 है कोफिशिएंट, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो 1 वॉल्यूम ऑफ दिस क्लोरीन प्रोड्यूस, इसका कोफिशिएंट 2 है बेटा, तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl. अब इनके वॉल्यूम के अगर रेशियो ले हम, देखो 1:1:2, दिस इज सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो बेटा ये, तो बिल्कुल इजी लॉ है. सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर प्रेशर रखनी पड़ेंगे आपको, उन सिमिलर कंडीशन के अंदर वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बेयर इन सिंपल होल नंबर रेशियो. सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं कोई, फॉर एग्जांपल दिस इज एग्जांपल नंबर 1. सेकंड एग्जांपल सपोज हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस टू गिव वाटर H2O, स्टीम प्रोड्यूस कर दी इसने गैसेस फॉर्म में. व्हाट हैपेंस, बैलेंस कर दो इसको बेटा, ऑक्सीजन यहां पर 2 यहां 1, क्या करें 2 हो गए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 2 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस हो गई. अब चेक करो कोफिशिएंट 2 है, स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मीन 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस क्या 2 वॉल्यूम्स ऑफ स्टीम, स्टीम मीन भाप, मीन वॉल्यूम्स की रेशियो क्या आएगी फिर 2:1:2. अगेन दिस इज सिंपल होल नंबर रेशियो, मीन वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट और बियर इन सिंपल होल नंबर रेशियो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. नेक्स्ट लॉ एवोगैड्रोस लॉ, fifth law we are going to discuss now, Avogadro's law. Avogadro's law भी कुछ ऐसा ही है, इसी तरह ही, तो थोड़ा सा चेंज है उसमें, इसी टाइप से है, इजी डेफिनेशन है बिल्कुल उसकी भी. जैसे इसमें सिंगल कंडीशन रखी थी हमने टेम्परेचर प्रेशर की, Avogadro's law में भी हमें यही रखनी पड़ेगी, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सिमिलर रखनी पड़ेंगे बेटा, तो उसके बाद हम उसको डिफाइन करेंगे. देखो कैसे Avogadro's law, Avogadro's law.
और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. दिस लॉ वॉज गिवन बाई एवोगैड्रो, नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसी ने नेम से ही है, गिवन बाई एवोगैड्रो, 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 नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसी ने दिया था बेटा ये. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इट इज डिफाइंड एज, वही कर लो चाहे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इट इज डिफाइंड एज, जैसे भी आप स्टार्ट करें डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज क्या भाई, अगेन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर से वही अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज, ऑल गैसेज कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल गैसेज कंटेन सेम नंबर या इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल बोल सकते हैं हम, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल लीजिए, मीन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर सिमिलर रखेंगे, फिर से यहां पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, कोई भी गैस ले कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल देखो हम ले लेते हैं भाई स्पॉन 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हम ले लेते हैं 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हम लेते हैं बेटा 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, कोई भी ले लो आप, मीन एनी गैसेस सब्सटेंस है एट STP कंडीशंस, कहां पर मैं फिक्स कर देता हूं, एट STP कंडीशंस फिक्स कर दी, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन हमने सॉल्व फिक्स कर दी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जो दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 273 केल्विन, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर जो है बेटा दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, ये होता है, मीन दीज आर द कंडीशंस हमने सपोज सेटिस्फाई कर दी है. ओके, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर या किसी भी अदर कंडीशन पे आप चेक करेंगे, ठीक है ना, नाउ व्हाट हैपन, equal volume of all gases contains same number of molecules, mean 22.4 liter of CO2 gas में कितने molecule होंगे, equal to Avogadro's number of molecules होते हैं 6.022 × 10^23 molecules, किसके होंगे molecules, ये CO2 के होंगे, CO2 है तो इसमें 6.022 × 10^23 molecules किसके होंगे, oxygen के ही होंगे, O2 के ही, इसमें 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, नाइट्रोजन के ही होंगे, ऑफ नाइट्रोजन हियर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मीन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन अगर सिमिलर रखेंगे तो हर बार हमें सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, दिस इज एवोगैड्रोस लॉ. ये कैसे आया ये बेटा हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मोर कॉन्सेप्ट वहां पर आपको नॉलेज हो जाएगी इसकी. ओके, सो this is all about today's lecture, thank you, again I want to tell you like, share, subscribe and share my channel, thank you.